और चले वंदे मातरम की शुरुआत करते हैं। बांग्ला में कहावत है, कारू पौष मास कारू सर्वनाश, यानी किसी के लिए खुशी का मौका है तो किसी के लिए बर्बादी का। बंगाल की सियासत इसी कहावत के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी जहां टीएमसी के मां माटी मानुष को सोनार बांग्ला से पार देना चाहती है, वहीं लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी से परे एक नई नुमाइंदगी का नव जागरण हो रहा है। इस बार मुसलमानों को लेकर लामबंदी की जा रही है, वहीं बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के झंडे तले प्रखर है, जिसे वेग देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पीएम के लगातार दौरों से दीदी बोल्ड हो जाएंगी और टीएमसी बंगाल की सत्ता से बाहर हो जाएगी। और इसी कड़ी में अमित शाह भी बंगाल पहुंचने वाले हैं, जहां गंगा सागर की सौगंध लेकर ममता राज को खत्म करने का वो ऐलान करेंगे। इसके अलावा बीजेपी महाराज भी बंगाल में ताल ठोकेंगे और यूपी की तर्ज पर बंगाल को गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि कैसे आम बिगाड़ेगा टीएमसी का काम, क्योंकि आम के आने से बंगाल में हारेंगी ममता, और किस तरह चाचा भतीजे के फेर में फंस गई है टीएमसी, क्योंकि बटेगा मुसलमान और टूटेगा दीदी का अरमान। दीदी को बंगाल से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने मोर्चेबंदी तेज कर दी है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के मैदान में हुंकार भरेंगे। हल्दिया में हल्ला बोल के बाद पीएम मोदी की पुरजोर कोशिश होगी कि हुगली में ऐसी गुगली फेंके जिस पर दीदी बोल्ड हो जाएं और टीएमसी चुनावी समर आते आते बेहोशी में चली जाए। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में ऐसा सैलाब आएगा जिसे देखकर दीदी के गुंडा ब्रिगेड के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। हुगली में मोदी की गुगली, दीदी बोल्ड, टीएमसी आउट। बंग की जंग में दीदी को चुनावी मैदान से आउट करने का पीएम मोदी ने पूरा प्लान बना लिया है।